नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के सोशल स्किल्स के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अहमद सिद्दीकी और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे करियर प्लानिंग पर। हम जब अपनी स्कूल लाइफ में होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम आगे क्या परस्यू करेंगे। यूजुअली हम ख्वाहिशात और ख्वाबों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों को उनका करियर पता नहीं होता तो उनके माँ बाप या उनके टीचर्स उनके लिए करियर मुंतखब करते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और वो उस एज में नहीं होते कि वो अपना प्रॉपर करियर प्लान कर सकें या उसको चूज़ कर सकें। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में सिंध फतह नहीं करते। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनको पता था कि उनको किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और कहाँ अपनी ज़िंदगी वक्फ करनी है। तो ऐसे ही काफ़ी लोग छोटी उम्र से भी करियर अपना प्लान कर सकते हैं। यूजुअली हम अपने टीचर्स को देख के, अपने पेरेंट्स को, अपने आइडियल या अपने दोस्तों की कुछ बातें सुन के या किसी के मशवरों पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं या अपना करियर चूज़ करते हैं। बचपन में अगर हमें कोई शौक़ होता है तो वो शौक़ ये कह के मार दिया जाता है कि तुम सही नहीं जानते। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर को लेके अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने जो चूज़ किया, क्योंकि शायद उनके पेरेंट्स भी वही चाहते होंगे। बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि करियर बहुत से बच्चे चूज़ करते हैं और फिर आगे जाके उनको उस चीज़ में मज़ा नहीं आता, उनके जहनों में वो चीज़ क्लिक नहीं करती, तो फिर वो अपना करियर स्विच करने का सोचते हैं। और करियर स्विच करने का मतलब है दोबारा किसी नई फील्ड के अंदर एडमिशन लेना, इनरोल होना, उसके बारे में जानना, पढ़ना, फिर उसके बारे में आगे दोबारा प्लान करना। अभी बात हो रही है कि आप किस स्टेज पे हैं। जब भी करियर चूज़ करना होता है, उसको प्लान करना होता है, तो उसकी तीन स्टेजेस होती हैं। पहले तो एक्सप्लोर करना, दूसरा एस्टैब्लिश करना और तीसरा एक्शन लेना। अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है तो आप सोचिए कि आप उसको किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम ज़्यादातर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने आइडियल्स को देख के, अपने टीचर्स को देख के या अपने दोस्तों को देख के। बाज़ोका जब हम दूसरे के करियर को देख के अपने करियर को चूज़ करते हैं तो हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हो सकता है कि आपके जानने वाले या आपके चाहने वाले जिस चीज़ में अच्छे हैं, हो सकता है कि आप किसी ऑपोजिट चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हों और आप उसको अपना करियर भी बना सकें। लेकिन अगर आप सामने वाले की पसंद को अपना करियर बनाएंगे तो हो सकता है कि हम आगे जाके नाकाम हो जाएं। तो कोशिश करें अपने करियर को खुद मुंतखब करें और उसी में अपना दिल लगाएं, क्योंकि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है और उसमें ही परस्यू करना हम समझदारी है। अगर आप इस स्टेज में हैं कि आप अपना करियर सही से चूज़ नहीं कर पा रहे, चाहे आप स्कूल में हों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आप यूनिवर्सिटी पास आउट स्टूडेंट हों, तो फिर भी आप अपना सही से करियर प्लान नहीं कर सके और आपको अगर लगता है कि आपने पिछला टाइम ज़ाया किया है या आपने पिछला टाइम बहुत अच्छा गुजारा है, किसी भी स्टेज में अगर आप हैं तो, और आप चाहते हैं कि आप अपना करियर को अच्छी तरह से प्लान करें, तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। पहले तो आप अपनी ख्वाहिशात को देख लें कि आपको आखिर किस तरह का करियर चूज़ करना है, और ख्वाहिशात के बाद आप ये देखें कि आया कि उस करियर की कोई मार्केट है, कोई स्कोप है या नहीं। हो सकता है कि आप कुछ इस तरह का करियर चूज़ करके या ख्वाहिश करके बैठे हों जो आपकी शायद मार्केट से रिलेट ना करता हो या शायद उसका इतना ज़्यादा स्कोप ना हो। बहुत से माहिरीन कहते हैं कि इसको पढ़ाई में नहीं होता बल्कि आप में होता है, और आप उस पढ़ाई के अंदर किस तरह से स्कोप ढूंढते हैं वो आपकी सलाहियतों पे डिपेंड करता है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी करियर का इंतखाब करें तो उसके मार्केट और उसका स्कोप जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम ज़्यादातर बहती गंगा में हाथ धो देते हैं, ये नहीं देखते कि पानी साफ है या गंदा, इस पानी का रुख किस तरफ है। हम बस उसके साथ साथ चलते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़ों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे आइडियल्स ने बीए पढ़ा था तो हम भी बीए पढ़ेंगे, वो डॉक्टर बने थे तो हम भी डॉक्टर बनेंगे, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी तो हम भी इंजीनियरिंग ही चूज़ करेंगे और उसको आगे परस्यू करेंगे। ये नहीं देखते कि आखिर वो किस लिए बने हैं,
और ऐसा भी होता है कि उनके आइडियल्स ने जिस भी फील्ड के अंदर पढ़ाई की हो, लेकिन अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं तो हम भी इसी बारे में सोचने लगते हैं कि हम भी यही जॉब करेंगे। भले उन्होंने PhD की है, भले उन्होंने कोई भी करियर चूज़ किया हो, अगर आगे वो जाके टीचर बन गए तो हम भी ये सोचते हैं कि हम भी चाहे कोई भी करियर चूज़ करें, हम भी टीचर बनेंगे। क्योंकि हो सकता है कि हमें वो इंसान पर्सनली तौर पे पसंद हो, लेकिन हम उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए हम उसका करियर भी अपनी पसंद बना लेते हैं। तो कोशिश करें कि कुछ नया करने की, और अगर वाकई आपको वो फील्ड पसंद है जो आपके बड़ों को पसंद है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास आपके एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको गाइड कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा करियर जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो और आपके आइडियल्स या आपके बड़े वो करियर या वो फील्ड चूज़ नहीं कर सके, और आप चाहते हैं कि आप उस फील्ड को परस्यू करें और आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप उस चीज़ को परस्यू करते हुए आप आगे बढ़ाएं, तो आपको किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना चाहिए जो उस फील्ड का माहिर हो और आपको बता सके कि उसका स्कोप क्या है। और जब आपको उसका स्कोप पता चल जाए तो आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि जो करियर मैंने चूज़ किया है उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास उतने पैसे ना हों, हो सकता है आपके वो हालात ना हों, हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में ना हों, हो सकता है आपका बैकग्राउंड उस हिसाब का ना हो सकता है कि आपकी मार्केट वैसी ना हो। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें जान लें, फिर आप उनसे पूछें कि मुझे किन स्टेप्स से और किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा, कि अगर मैं ये करियर चूज़ करता हूँ तो मुझे किस तरह की फील्ड्स, किस तरह की सर्टिफिकेशंस हासिल करनी ज़रूरी हैं, और अगर मैं जब ये सर्टिफिकेट्स हासिल कर लूँगा तो मुझे किस तरह से उन जगहों पर अप्लाई करना है। आप जिस स्टेज पर भी हैं अभी, उससे आप 10 साल बाद सोचें कि आपने 10 साल बाद किस जगह पर खड़ा होना है। अगर आप ये प्लान नहीं कर सके कि आपने 10 साल बाद क्या करना है, तो आप बहुत नाकाम हो जाएंगे और ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे। इस दुनिया की रेस में पीछे रहना अब मुनासिब नहीं। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपने अपनी ज़िंदगी भी प्लान करनी है। करियर प्लान करने के लिए जो इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छा प्लान कर लेता है, जो अपने टाइम को मैनेज कर लेता है, जो अपनी फैमिली सही से प्लान करता है, वो अपना करियर भी बहुत अच्छी तरह से प्लान कर सकेगा। मैट्रिक तक तो हर किसी की ज़िंदगी एक ही तरह की चल रही होती है, एक ही तरह की पढ़ाई हो रही होती है, इंटर तक भी शायद वही होता है। लेकिन जब आप बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल या PhD लेवल पे जाते हैं, तो आपको इंतखाब करना होता है कि आपको किस फील्ड में परस्यू करना है। अगर आप देखा देखी किसी को बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल या PhD करते हैं, तो आप देखा देखी हो सकता है कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दें, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि आपका रिज़ल्ट और उस बंदे का रिज़ल्ट जिसको आप देखा देखी ये सब कुछ कर रहे हैं, लाजमी अलग होगा। अगर एक जैसा हो भी जाता है तो वो आपकी अपनी लाइफ नहीं होगी, बल्कि किसी और के लाइफ पैटर्न को जी रहे होंगे। तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका इंटरेस्ट है, जिसके मुताबिक आपने स्किल्स ली हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन रही है, और आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फील्ड चूज़ करें, भले वो किसी और ने की हो या ना की हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसमें परस्यू करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। सबसे पहली तो ये बात है कि कोई फील्ड किसी को कामयाब नहीं करती, बल्कि आपके अंदर जिस चीज़ की दिलचस्पी है, आप ख़ुद उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं। और आपको नहीं पता कि आपकी दिलचस्पी किस में है या आप किसके अंदर अच्छे हैं, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ट्राई करें। जितनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे, जितने एक्सपीरियंस से आप गुजरेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि आप किसके अंदर ज़्यादा अच्छे हैं और किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है। और जब आपको पता चल जाए कि आप किस चीज़ के अंदर ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं या ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे, तो फिर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से ओपिनियन लें, ना कि अपने चाचा, मामू, ताया वगैरह से, क्योंकि हो सकता है वो किसी और फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हों और आपको अपने एक्सपीरियंस से अपने ओपिनियंस दे रहे हों। तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ के अंदर मुश्किलात फेस करेंगे। आप एक्सपर्ट से ओपिनियन लें और अपने स्टेप्स को आहिस्ता आहिस्ता एक रोड मैप की तरह बनाएं और 10 साल का एक मंसूबा अपने लिए बनाएं कि 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। इस चीज़ का आप हमारे टाइम मैनेजमेंट के पॉडकास्ट को सुन के आराम से अपना टाइम मैनेज करें और अपने गोल्स को सेट करें कि 10 साल के अंदर आप एक दिन में क्या करेंगे, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, 5 साल में, और 10 साल के अंदर आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखना चाहते हैं। और जब आप उस 10 साल के बाद उस जगह पे खड़े हो जाएं, तो फिर आप आगे सोचें कि आपने आगे क्या परस्यू करना है।
हो सकता है कि आप जिस पोजीशन पे हों उसके बाद भी आपको प्रमोशंस, अपने अंदर मजीद सलाहियतें उभारनी हों, तो आपको उन चीज़ों के लिए किन चीज़ों का इंतखाब करना पड़ेगा। जब आप इस तरह से अपनी लाइफ को प्लान करते रहेंगे तो साथ ही साथ आपका करियर भी प्लान होता रहेगा। आप अपने करियर को मजीद अच्छा प्लान करने के लिए तो आप खुद सोचें कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। हो सकता है अल्लाह आपसे कुछ और काम लेना चाहते हों और आप किसी और पैटर्न पर निकल पड़े, तो अपने आप को जितना ज़्यादा ढूंढ सकते हैं ढूंढें, और आप ये ढूंढें कि आप किन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। अगर बिल गेट्स भी ये सोचते हैं कि मैं वही कर लेता हूँ जो मेरे बड़ों ने किया, तो शायद वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक नहीं होते। अगर स्टीव जॉब्स इस तरह का सोचते तो शायद आपके पास आज एप्पल सामने नहीं होता। तो अपने करियर को प्लान करें और कोशिश करें कि उसके लिए आज से ही काम में लग जाएं, और फिर आप ये सोचें कि आप उन चीज़ों के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फील्ड के लिए किन किन चीज़ों को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो उनके लिए सेक्रीफाइस करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप एक दफ़ा उस करियर को अचीव कर लेंगे तो जो कुछ आपने सेक्रीफाइस किया होगा वो आपको दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। ऐसा भी बहुत दफ़ा होता है कि बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और हो सकता है उनके लिए वो चीज़ें आसान भी हों, और वो अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने के बाद सब कुछ करके बैठ जाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। अगर आपको लगता है कि वो करियर जो आपने चूज़ किया है आपके लिए बेहतरीन है, तो आज से ही उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए फिर आप बोलें, यार अगर मैं एक्शन ले लेता तो काश मैं इस जगह पर पहुँच चुका होता। लेकिन अगर आप एक्शन ले लें तो शायद आपको ये भी अंदाज़ा हो कि शायद ये आपके लिए है भी या नहीं। अगर आपके लिए होगा तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं तो आपको स्विच करने में आसानी होगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी कर चुके होंगे इसको स्टार्ट करने में। लेकिन अगर आपने बहुत देर कर दी तो शायद आप किसी दूसरे करियर के लिए स्विच करने में भी सुस्ती कर दें और आपके हाथ से वक्त निकल जाए। एक स्टडी के मुताबिक हम जिस करियर को चूज़ करते हैं वो हम किसी न किसी की पसंद से चूज़ करते हैं। बहुत से लोग हमें मशवरे देते हैं तो चूज़ करते हैं, लेकिन स्टडी के मुताबिक हमारे लिए जो करियर बेस्ट है वो ये है कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बचपन से करते आए हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बचपन से सोचते आए हैं और आपको वो बनना हो। बाज़ औक़ात बच्चों को सुपरमैन, स्पाइडरमैन, एक फ़ौजी बनने का शौक़ होता है, लेकिन आप ये सोचें कि क्या इससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं या जिनके बारे में आपको सबसे ज़्यादा मालूमात है। हो सकता है कि किसी अच्छे गेम के बारे में आपको मालूमात हो और उस गेम के मुताबिक एक अच्छे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक गेमर बन जाएं और आप दुनिया में छा जाएं। तो अपने करियर को चूज़ करने से पहले ये सोच लें कि आप कौन सी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते आए हैं, कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करी हैं, कौन सी चीज़ों ने आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, मैन्यूपलेट किया है, आप किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और आप किन चीज़ों के बारे में लोगों को तरगीब करते हैं, तो फिर आप अपना करियर बहुत ही अच्छी तरह से चूज़ कर सकेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट अपने अख्तिताम को पहुँचता है। तो आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।